हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एस ट्यूशन क्लासेस। तो बहुत दिन बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ था इस वजह से। तो चलिए आज सीखेंगे नरेशन के बारे में, एकदम इजीली आप लोगों को समझाऊंगा नरेशन, उसका एग्जांपल के साथ, उसके रूल्स के साथ, फॉर्मूला के साथ समझाऊंगा, पूरे ज़िंदगी के लिए याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो शुरू करने से पहले बस वही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों को, प्लीज़ बी एच ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले अभी इसी वक्त, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले, ताकि उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले सकें। तो प्लीज़ बी एच ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कॉमेंट करें, कॉमेंट तो बिल्कुल करें, क्योंकि कॉमेंट की वजह से मुझे पता लगता है कि आपको क्या चाहिए, और अपने दोस्त को भी शेयर भी करें देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। और नरेशन स्टार्ट करने से पहले इसका तो दो पार्ट है, आपको पता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट जो है ये ऐसा होता है कि प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट फॉर्म में भी होता है। और इसको जैसे कि देखिए, अगर डायरेक्ट में अगर विल रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, ये वुड बनेगा, ठीक है। मतलब इस तरफ प्रेजेंट में होगा तो उस तरफ पास्ट में होगा, ठीक है। जैसे विल रहेगा तो वुड बन जाएगा, नाउ रहेगा तो देन बन जाएगा, हेयर का देयर बन जाएगा, दिस दैट होगा, दिस दोज होगा, टुडे दैट डे बनेगा, टू नाइट दैट नाइट बनेगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट बनेगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे बन जाएगा, टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे होगा, लास्ट वीक बन जाएगा द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक बन जाएगा द फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ बन जाएगा द प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट मंथ बन जाएगा ए मंथ आफ्टर। तो ये रहा छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना ही रखना है, तभी जाके नरेशन आप लोग अच्छे तरह से कर पाएंगे। चलिए, बी एस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए नरेशन का कुछ रूल्स और उसके साथ एक एक करके एग्जांपल। जैसे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अगर आप टेंस के बारे में अच्छे तरह से पता नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में टेंस भी है, वॉइस भी है, कुछ भी हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उधर से देख लीजिएगा। सबसे पहले अपना टेंस ठीक कर लीजिए, उसके बाद ये क्लियर होगा आपको। जैसे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहेगा कोई भी सेंटेंस, ठीक है, तो उसका बन जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। कैसे, देखिए, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहाँ पर जो है मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला, ये क्या है, ये है डायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट में क्या है, ही सेड आई वांट टू गो नाउ, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो वही है, एक सेकेंड देख लीजिएगा, ही सेड का मैंने लिखा ही सेड, बस ये इधर कंजंक्शन के वजह से मैंने लिख लिया दैट, ही सेड दैट, यही किसके लिए है, ही है, आई किसके लिए है, आई है ही के लिए, तो यहाँ पर आई के जगह पर क्या लिखेंगे हम, है ही वांट था, प्रेजेंट इंडिफिनिट था, उसका पास्ट बन जाएगा, तो वांट का पास्ट फॉर्म है वांटेड, और उसका ही वांटेड टू गो, नाउ था, नाउ का बन जाएगा देन, पहले उसका रूल्स आपको समझा दिया था, तो क्लियर हो गया ना। ही सेड आई वांट टू गो नाउ, तो बन जाएगा इसका ही सेड दैट ही वांटेड टू गो देन, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये वाला। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसका बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। जैसे सबसे पहले देखिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस है, ही शी सेड, वो बोली थी, क्या बोली थी, आई एम गोइंग टुडे, मैं आज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुडे, आई का मतलब होता है वो लड़की, तो मतलब आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, शी गोइंग, आई एम गोइंग, तो इसका पास्ट बन जाएगा क्या, वाज, तो बस वही है कि शी सेड दैट आई एम गोइंग टुडे, क्या बन जाएगा, शी वॉज गोइंग टुडे का बन जाएगा दैट डे, शी वॉज गोइंग डेट डे, आई एम गोइंग टुडे के जगह बन जाएगा शी वॉज गोइंग डेट डे, तो एम के जगह बन गया वॉज, आई के जगह हो गया शी, और टुडे के जगह हो गया दैट डे, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, जैसे आपको फॉर्मूला पता ही होगा, डायरेक्ट में देखिए क्या है, राकेश सेड आई हैव कम, राकेश बोला था क्या, आई हैव कम, मैं आया हूँ, तो यही इनडायरेक्ट में क्या बोलेगा, राकेश सेड दैट, एक कंजंक्शन के लिए यहाँ पर दैट बिठाया मैंने इसको काट के, राकेश सेड दैट आई, आई मतलब राकेश ने कहा था ना, तो आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, उसके जगह पर प्रोनाउन के हिसाब से ही लिख देंगे, आई के जगह पर ही, और जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड अगर रहा था तो पास्ट परफेक्ट में क्या बन जाएगा, हैव की जगह पर हैड, ठीक है ना, आई हैव की जगह पर बन जाएगा ही हैड, कम कम ही रहेगा, आई हैव कम, ही हैड कम, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, चौथे नंबर पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट में रहेगा तो वो पास्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने शॉर्ट फॉर्म करके लिखा है, जगह नहीं होगा इसलिए। तो क्या है,
एग्जांपल क्या है देखिए, दे सेड वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सवेरा से खेल रहा हूँ, ऐसा करके दिया गया है, मैं सवेरा से खेल रहा हूँ, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर पास्ट करके लिखना है, हैव के जगह पर तो हैड बनेगा ही बनेगा, पास्ट बनेगा ही बनेगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, बस वी की जगह पर क्या होगा, दे सेड, मतलब वे लोग कहे थे, दे मतलब वी की जगह पर दे बैठ सकते हैं ना, तो यहाँ पर दे सेड दैट करके वी की जगह पर हमने लिखा दे, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए कुछ भी सेंस नहीं है, बस हैव की जगह पर हमको लिखना है हैड और वी की जगह पर लिखना है दे। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है पास्ट इंडिफिनिट, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट एग्जांपल के साथ। जैसे डायरेक्ट में क्या है, संजू सेड आई वेंट टू मुंबई, संजू कहा था क्या कि मैं मुंबई गया था, आई हैड आई वेंट टू मुंबई, तो वेंट है, वेंट बन जाएगा गॉन, जो कि देखिए पास्ट इंडिफिनिट है इसलिए आई वेंट टू मुंबई। कैसे फॉर्मूला कौन से हिसाब से, मेन वर्ब टू के हिसाब से, ये था ना सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा था ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये बन जाएगा एम वी थ्री और उसके साथ अभी बनेगा हैड एक्स्ट्रा। समझ में आ गया होगा, देखिए शंजू सेड आई वेंट टू मुंबई, वैसे ही शंजू सेड दैट, ये तो कॉमन है, आई का मतलब होता है शंजू और शंजू एक लड़का है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ही आई वेंट टू मुंबई, मतलब जो कि पास्ट परफेक्ट है तो हैड बैठेगा फॉर्मूला के हिसाब से। ही हैड वेंट का वेंट जो सेकेंड फॉर्म था मेन वर्ब का वो बन जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैड गॉन टू मुंबई, बस वही है फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर होगा तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बस फॉर्मूला देखिए, दे सेड वी वेयर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे ना, ये था क्या बन जाएगा देखिए, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट, आपको अगर फॉर्मूला अगर याद होगा, फॉर्मूला क्या था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, फॉर्मूला क्या था वो था कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला था, ठीक है, तो मतलब हैड आएगा बीन आएगा ये सब तो आएगा ही आएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो दे सेड दैट वी का मतलब होता है यहाँ पर होगा दे, मतलब दे वेयर प्लेइंग था ना, वेयर प्लेइंग था ना, तो बन जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग, बस फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। सेवन नंबर पे क्या है, और सेवन नंबर खत्म करने से पहले प्लीज़ बी एस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर डालें अभी तक अगर नहीं किया आप लोगों ने, तो लास्ट वाला में क्या देखिए, पास्ट परफेक्ट अगर होगा तो बनेगा पास्ट परफेक्ट ही, नो सेंस, नो सेंस का मतलब ये नहीं कि कुछ सेंस ही नहीं होगा, सेंस होगा, ठीक है सेंस होगा, क्या सेंस होगा देख लीजिए। जैसे कि देखिए, ही सेड आई हैड ईटन राइस, मैंने खाना खाया था ना, आई हैड ईटन राइस, तो बाकी हैड ईटन राइस ये जो है ये सेम टू सेम ही रहेगा, बट सेंसेस क्या होगा, ये सब्जेक्ट जो है ये आई, ही के लिए इस्तेमाल किया गया ना, तो आई के जगह पर क्या बैठेगा, ही आएगा, ही सेड दैट ही हैड ईटन राइस, बस बाकी सब सेम टू सेम है, बस सेंसेस आएगा ये वाला, आई के जगह पर बन जाएगा ये, समझ में आ गया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बी एच ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसको आराम से धीरे धीरे ऊपर लेके जाता हूँ, इसको आप लिख दीजिए आराम से, ठीक है एकदम स्लोली लेके जा रहा हूँ, आराम से लिखिएगा इसको स्टॉप करके करके, और जो जो चाहिए कमेंट करके मुझे बोल दीजिएगा, और फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, बोलिएगा कि बी एच ट्यूशन क्लासेस करके है और एकदम आसान से चीज़ों को समझाता है ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।